नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। मैं तो निर्गुणिया, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। मैं तो निर्गुणिया, बस इतनी बात है। मेरे जीवन की डोरी अब तेरे हाथ है। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। थोड़ा सा गुण मिल जाए, निर्धन को धन मिल जाए। मानो तुम्हारा उपकार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सुन लो हमारी अर्जी, मुझको कुछ ज्ञान दो। जीवन को जीना सीखूं, ऐसा वरदान दो। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। सूरज सी शान पाऊं, चंदा सामान पाऊं। इतना सा दे दो उपहार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। नन्हा सा फूल हूँ मैं, चरणों की धूल हूँ मैं। आई हूँ मैं तो तेरे द्वार, प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। प्रभु जी मेरी पूजा करो स्वीकार। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
सद्गुरुदेव की जय। अभी हम बहुत ही सुंदर भजन श्रवण किए, आगे मैं सत्संग की कड़ी को बढ़ाते हुए सुबुद्धि साहब से निवेदन करती हूँ कि आप कुछ मिनट अपने विचार देने की कृपा करें। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। संत समाज की जय। भक्त समाज की जय। कबीर नामं परम पुनीतम् युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम् दातारि मुक्तं पुरुषं पुराणम् चरणारविन्दं गुरुशततं नमामि चरणारविन्दं गुरुशततं नमामि। परम पूजनीय श्रद्धे साहिब जी, अर्चनी वंदनी संत समाज और सत्संग स्थल पर बैठे भक्त सज्जन, भक्तिमती माताएं, मेरे लिए भी साहिब जी की ओर से आज्ञा हुई है, सो आज्ञा पालनार्थ आप सभी के बीच कुछ देर के लिए सद्गुरु कबीर के पद्यों पर अपना निवेदन रखने का प्रयास कर रही हूँ। संगत कीजे साधु की हरे और की व्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। सद्गुरु कहते हैं कि अच्छे लोगों की संगति हमें शीघ्र ही कर लेनी चाहिए, फिर सत्संग क्या करेंगे। संगत कीजिए साधु की हरे और की व्याध, वो हमारे व्याधि को, दुख को, पीड़ा को दूर करेंगे और हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी। ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद, यदि हम बुरे लोगों की संगत करते हैं तो हमारे जीवन में दुख ही दुख आता है। यदि कोई व्यक्ति सफल हो रहा है तो उसके सफलता का, उनकी उच्चता का, उनके महान बनने में क्या कारण है, उनके संगत का। संगत का बहुत प्रभाव पड़ता है। अधिक से अधिक लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि उनको अच्छी संगत नहीं मिल पाती है। अच्छी संगत नहीं मिलने के कारण उनका जीवन जो है दुख और कष्ट में बीतता है। हम संतों के पास क्यों आते हैं? क्योंकि हमें संतों के सानिध्य में रहने से सुख शांति की प्राप्ति होती है, हम जीवन जीने का ढंग सीखते हैं। इसलिए संत गुरु जनों के पास आते हैं कि हमें वो सही ज्ञान बताएंगे जिससे हम उस रास्ते पर चल करके अपने जीवन का सुधार कर पाएंगे। मनुष्य जो है सामाजिक प्राणी है, वह समाज का अभिन्न अंग है। एक एक व्यक्ति को लेकर के समाज का निर्माण होता है। जैसे व्यक्ति होता है वैसे ही समाज होता है। मैथिली शरण गुप्त जी लिखते हैं, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से, सुधरे समाज राष्ट्र व्यक्ति से इसका असर विश्व पर हो, जाग उठे जन जन का मानस, ऐसी जागृति घर घर हो, ऐसी जागृति घर घर हो। बच्चा जो है जन्म लेने के कुछ ही समय पश्चात बहुत कुछ समझने लगता है, सीखने लगता है, और जैसे जैसे वह सीखते जाता है, समझते जाता है, वैसे वैसे वो संसात करने लगता है। उनके जीवन की जो दिशा है वह सही समझ और स्वस्थ समझदारी पर निर्भर करती है। यदि वह सही लोगों का, अच्छे संगत का चुनाव कर लेता है तो उनका जीवन बहुत सुंदर बन जाता है, और यदि वह गलत पथ पर कदम रख देता है तो उनका जीवन पतन के गर्त में चला जाता है। फिर
यदि वो गलत दिशा में चला गया तो फिर पश्चाताप के अलावा और कुछ भी हाथ नहीं लगता है। ऐसी बात नहीं है कि व्यक्ति यदि गलत दिशा में चला गया, गलत कर्म करने लग गया, बुराई करने लग गया तो वह व्यक्ति नहीं सुधर सकता, अपने जीवन को सुंदर नहीं बना सकता, ऐसी बात नहीं है। व्यक्ति सुधरता है, बदलता है, बस उनको सही प्रेरक मिल जाए, सही मार्गदर्शक मिल जाए तो उनका जीवन सुंदर बन जाता है। हम अनेक उदाहरण सुनते हैं कि बड़े बड़े जो दुष्ट व्यक्ति हुए, दुराचारी हुए, गलत दिशा में चले गए थे, वे लोग भी अपने जीवन को महान बना लिए, अच्छा कर्म की ओर अग्रसर, अच्छे कर्म की ओर अग्रसर हो गए। अंगुली मार्ग के बारे में हम लोग कई बार सुने हैं, कहते हैं कि वो बहुत ही भयंकर डाकू थे, वो लोगों को जंगल में जो लोग जाते थे उंगली उनके उंगलियों को काट करके वो माला बना करके पहनते थे। तो एक दिन उनको महात्मा बुद्ध जी मिले तो फिर उन्होंने कहा, अंगुली मार जो थे वो कहे कि महात्मा बुद्ध के तुम रुक जाओ वहीं पर। तो फिर उन्होंने कहा, मैं तो कब से रुक गया हूँ, तुम कब रुकोगे। बस इतनी सी बात को सुने तो उनके मन में वो विचार किया, सोचा कि इस शब्द में क्या बात है कि मैं कब से रुक गया हूँ, अर्थात मैं बुरे कर्मों को कितने दिनों से छोड़ चुके हैं, अब मेरे लिए आदेश दे रहे हैं, मेरे लिए निर्देशित कर रहे हैं। तो उसी दिन से वह बुरे कर्मों को छोड़ दिए, और छोड़ ही नहीं दिए, वो एक बहुत अच्छे संत बन गए, अपने जीवन को सुधार लिए। तो हम कभी भी कहीं भी अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। इसलिए संत सुधारक कहते हैं कि सत्संग से जुड़ जाओ, और ताकि तुम्हें क्या सही है, क्या गलत है, किस में हानि है और किस में लाभ है, किस में हमारा बंधन है, किस में मोक्ष है, ये सब की जानकारी तुम्हें हो जाएगी। सत्संग के माध्यम से हम अपने मानवीय कर्तव्य को भी नहीं जानते कि हमारे बड़े बुजुर्गों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, हमारे संत गुरुजनों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य बनता है, यह हम नहीं जानते हैं। जब सत्संग में आते हैं, संत गुरुजनों के सानिध्य में आते हैं, तब हमें मालूम होता है, तब हमें इसकी जानकारी होती है। माता पिता बड़े कष्ट सहन करके हमारा पालन पोषण करते हैं, वह भी हम सब भूल जाते हैं। माँ जो है 9 महीने पेट में रख करके बड़े कठिन कष्ट को सहते हुए बच्चे को जन्म देती है, उस माँ को हम अपने मकान में 9 दिन भी, 9 महीने भी नहीं रख पाते हैं। जो माँ स्वयं गीले में सोकर हमें सूखे में रखती है और अपना अमृत रस दे करके हमारे जीवन को सिंचित करती है, उस माँ को हम घड़े में भरा हुआ एक गिलास पानी भी नहीं दे पाते हैं। बहुत ही माँ बाप जो रहते हैं घर में, वो बहुत ही भयभीत रहते हैं, ठीक से जीवन नहीं जी पाते हैं, अपने ही घर में वो बहुत दुखी रहते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है कि होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, होठों पर हंसी देखी अंदर नहीं देखा, जीवन में मिले गम का समंदर नहीं देखा। कितनी हसीन दुनिया है, जरा इसका गौर करो, मरमर के जीने वालों का मंजर नहीं देखा। तो जब हम सत्संग में आते हैं तो हम अपने कर्तव्यों को जानते हैं कि हमारा
हमारे जीवन में क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति, भाई के प्रति, बहन के प्रति, एक एक व्यक्ति के लिए हमें जो कर्तव्य है उसको पूरा करना चाहिए, निभाना चाहिए। सत्संग और सद्विचारों के बिना जीवन कैसे जिया जाए यह हम जान ही नहीं पाते हैं और हमारा पूरा जीवन दुखों की आग में जलते जलते कट जाता है। एक बात और होती है कि सत्संग में आने के लिए व्यक्ति हजार बार सोचता है, लेकिन कुसंग में जाने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस जगह जा रहा हूँ, कैसे लोगों के बीच में जा रहा हूँ, ये विचार ही नहीं करता। और जब सत्संग में जाना हो, संत गुरुजनों को अपने घर में बुलाना हो, सत्संग सुनना है, तो वो सोच विचारते विचारते रह जाता है। एक कहानी है, एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था, बड़ा दार्शनिक और विचारक गधा था। कहते हैं एक शैतान प्रवृत्ति का व्यक्ति था, वह गधा जहाँ पर खड़ा हुआ था उसके दाएं और बाएं दोनों तरफ हरी हरी घास रख दी। गधे ने हरी हरी घास देखी तो उनके मुंह में पानी आ गया और वह सोच में पड़ गया कि मैं दाएं तरफ के घास खाऊं कि बाएं तरफ की घास खाऊं। वह विचार करने लगा, तभी उसके मन ने कहा कि मुझे दाएं तरफ की घास खानी चाहिए। तभी फिर उनका मन कहता है कि बाएं तरफ के घास में क्या कमी है, वो क्या बिगाड़ रखा है मेरा। इस प्रकार वह सोच में पड़ गया, निर्णय ही नहीं ले पा रहा है कि मैं किधर के घास खाऊं, दाएं तरफ की घास खाऊं कि बाएं तरफ की। इस प्रकार सुबह से शाम हो गई, एक दिन हुआ, दो दिन हुआ, इस प्रकार तीन दिन बीत गया और चौथे दिन गधा जो है कमजोरी के कारण गिर पड़ा और वहीं मर गया। यही किस्सा हमारे जीवन की है। शुभ कार्य को करने के लिए, अच्छे कार्य को करने के लिए, पुण्य कार्य को करने के लिए, जो करने योग्य काम है उसको करने के लिए हम लोग सोचते रह जाते हैं, विचारते रह जाते हैं और इस प्रकार सोचते सोचते विचारते विचारते हमारी जिंदगी जो है खल्लास हो जाती है। सद्गुरु कबीर साहब बहुत ही सुंदर साखी कहे हैं कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करेगा कब। जो पुण्य का काम है, शुभ कार्य है, यदि तुम उसको कल करना चाहते हो तो आज ही कर लो, और यदि आज करना चाहते हो तो अभी इसी समय इसी वक्त कर लो। पता नहीं जिंदगी का कि कब मौत आ जाए और कब यहाँ से जाना पड़े। तो सद्गुरु कबीर की साखी पर मैं अपना विचार दे रही थी कि कबीर संगत साधु की, संगत कीजिए साधु की हरे और की ब्याद, ओछी संगत क्रूर की आठों पहर उपाद। यदि हम सज्जन लोगों की, अच्छे लोगों की संगति करेंगे तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर बनेगा और सुख शांतिमय बनेगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, साहिब बंदगी। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती माताओं की जय, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, अष्ट पहर निरेखत रहूं, गुरु मूर्ति की ओर हो,
काष्ट पहर निरेखत रहूं गुरु मूर्ति की वो। प्रातः है स्मरणीय परम पूजनीय श्री साहेब जी, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी, धर्म प्रेमी भक्त सज्जनों एवं भक्तिमती माताओं, मेरे लिए भी आज्ञा हुई है आज्ञा पालन हेतु आप लोगों के समक्ष कुछ देर निवेदन प्रस्तुत है। बड़ी खुशी की बात है कि आज सब लोग इस सत्संग स्थल पर उपस्थित है। अभी सब लोग दीपावली के त्यौहार में सभी लोग इकट्ठे हैं, दूर दूर से जो देश विदेश भी घर परिवार के लोग गए होते हैं, वे इस खुशी के त्यौहार में, इस त्यौहार में सभी परिवार एकत्रित होते हैं और खुशियां मनाते हैं। तो खुशी तो दीपावली के दिन खुशियां तो मनाई जाती हैं, घर घर में दीप जलाया जाता है और देखकर मन आनंदित होता है। तो ये खुशियां कुछ दिन के लिए हैं, दो चार पाँच दिन के लिए, उसके बाद हमारा मन पहले जैसे का तैसा हो जाता है। किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी के मन में ईर्ष्या की भावना है, क्रोध की भावना है, तो हमारा मन बाहर के चीज़ों को देख करके कुछ क्षण के लिए आनंदित होता है, भीतर से आनंदित नहीं हो पाता है। जब संत गुरुजन जिनके जीवन में मिलते हैं सत्संग सदग्रंथ, तो वह भीतर से आनंदित होता है, कभी वह दुखी नहीं होता है, कभी परेशान नहीं होता है। तो हमें भीतर से आनंदित होना है, बाहर का दीप बाहर के अंधकार को दूर करता है। और भीतर में जब हम ज्ञान के दीप जलाते हैं तो हमारे भीतर के जो अंधकार है, अज्ञान है, वह दूर हो जाता है। तो सब लोग दीपावली त्यौहार में सब लोग खुशियां मनाते हैं, फटाके फोड़ते हैं, फटाके फोड़ करके खुशी मनाते हैं। आजकल हम देखते हैं तो इस फटाके में पैसे का दुरुपयोग बहुत करते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं, जो समझदार हो जाते हैं, हजारों लाखों रुपये को इसी फटाके में कुछ क्षण के आनंद के लिए, कुछ क्षण के खुशी के लिए खो देते हैं। तो हम धन का सदुपयोग करना सीखे कि धन को हमें कहाँ लगाना चाहिए। उसी दीपावली के दिन जगह जगह हम देखते हैं कि कोई शराब के नशे में पड़े हुए हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश खेलते हैं, तो ये सब समय बर्बाद और धन का दुरुपयोग है। धन को हम दीपावली के दिन फटाके में ना खर्च करके, शायद कोई दिन दुखी है, गरीब है, या पवित्र स्थान जहाँ पर कोई आश्रम हो या संत गुरुजनों के चरणों में समर्पित करें उस रुपये के, उस धन को, तो हमारा बहुत बड़ा पुण्य हो जाता है। आप जरा विचार करके देखिए कि धन का हम दुरुपयोग करते उसके अपेक्षा हम उसका सदुपयोग करें। कोई प्यासे हैं उसको हम पानी पिला देते हैं तो मन कितना खुश हो जाता है। वो दिन को जब लोग याद करते हैं, समय तो बीत जाता है, लेकिन उस दिन को याद करके मन खुश हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है कि चलो मैं अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाया हूँ।
कोई भूखा है, कोई भूखा प्यासा द्वार में आ गया तो उसको भोजन खिला दिया जाता है तो मन खुश हो जाता है, और कभी जीवन में उस पुण्य कमाए हुए को याद करते हैं तो शरीर का जब अंत होता है उस समय भी वो बात याद आती है तो मन सोचता है कि चलो मैं अपने जीवन में कुछ पुण्य कमाया हूँ, पश्चाताप करते हुए इस दुनिया से नहीं जाता है। तो ऐसे खुशी के लिए हम अपने धन का सदुपयोग करें, अपने समय को कुछ क्षण के लिए खुशी के लिए समय बर्बाद न करें, धन का दुरुपयोग न करें। जो न समझ है, अज्ञानी है, जिसको संत गुरुजन नहीं मिले हुए हैं वे दुरुपयोग करें तो उसकी अज्ञानता है। लेकिन हमारे जीवन में सारी सुविधाएं मिले हैं, सत्संग मिले हैं, संत गुरुजन मिले हैं, सदग्रंथ मिले हैं, उसके बाद भी हम ऐसे चीज़ में अपना धन का दुरुपयोग करते हैं, समय को बर्बाद करते हैं, तो हमारी जानबूझ करके ना समझी का काम करना है। तो इसलिए बड़े सौभाग्य की बात है कि अभी दिवाली के त्यौहार में सब लोग दूर दूर से इकट्ठे हैं और सब लोग खुशियां मना रहे हैं। तो ये खुशी केवल कुछ दिन के लिए ना हो बल्कि हमारे जीवन में हर समय खुशियाँ हो, हर समय दिवाली हो, ऐसे हमें काम करना चाहिए। सबके प्रति मन में प्रेम हो, छोटों के प्रति करुणा का भाव हो, बराबरी के प्रति प्रेम का भाव हो, बड़े बुजुर्गों के प्रति श्रद्धा का भाव हो, और ये श्रद्धा प्रेम करुणा हर समय बने रहना चाहिए। ये बाहर के दीप कुछ क्षण के लिए है, कुछ क्षण के आनंद में हमें भूलना नहीं चाहिए, बल्कि भीतर ज्ञान की दीप हम जलाएं और अपने जीवन को निर्मल बनाएं, पवित्र बनाएं। इसलिए कहा गया है रोशनी कोट और किलों में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है पर अंधेरा सबके दिलों में है। तो इससे अंधेरे को हमें मिटाना है, उजाला करना है। संत गुरुजनों से हमें ज्ञान मिला है और ज्ञान के दीप हमारे हृदय में हम जलाए तभी हमारे जो अज्ञानता है वह दूर हो जाएगा और हमारा जीवन प्रकाशमय हो जाएगा। जैसे बड़े बड़े महापुरुष हैं उसके दिए हुए प्रकाश में आज हम चल रहे हैं, ऐसे हमारा जीवन हो और हमारे बताए हुए मार्ग पर दूसरे को भी प्रेरणा मिले, दूसरे लोग भी उस मार्ग पर चले तो उनका भी कल्याण हो, हमारा भी कल्याण हो, ऐसे हमें अपने जीवन को बनाना है। बोलिए सद्गुरु देव की जय, संत समाज की जय, भक्त समाज की जय, भक्तिमती मा की जय, संत समाज की जय। परम पूजनीय, परम श्रद्धेया गुरु माँ, अर्चनी वंदनीय संत समाज, सत्संग प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं, आप सभी के समक्ष मेरे लिए भी आज्ञा हुई है स्व आज्ञा पारनाथ आप सभी के बीच कुछ देर प्रस्तुत हूँ। आप सभी जानते हैं कि आज का यह सत्संग समारोह विशेषकर हमारे गुरु माँ की पूजा के रूप में ही रखा गया है। गुरु माँ का हमारे ऊपर बहुत उपकार है। मैं तो कहती हूँ कि केवल यहाँ साधनारत साधिका बहनों पर ही नहीं पूरी नारी समाज पर उनका बहुत उपकार है। तो आइए मेरी गुरु माँ के चरणों में एक भजन समर्पित करते हुए मैं आप सबके बीच प्रस्तुत हूँ। तो कितनी अच्छी है तू, कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
सवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तो, मेरे लिए जागी है तो, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे हैं, अपनी निंदिया भी तूने वारी है ओ अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई मेरे हंसने पे, हाँ मेरे रोने पे तू बलहारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनकी माँ होती है कितनी सुंदर है, हाँ कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, की जो दुनिया है ये वन है कांटों का, तू फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, बोलिए सदगुरु देव की जय, साहिब साहिब सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु श्री अभिलाष साहेब की जय। परम पूजनीय साहेब जी, मुधबंगल में संत समाज, सत्संग प्रेमी बंधुओं, भक्तिमती माताओं, आज बहुत ही शुभ अवसर है, खुशी का दिन है, जो दीपावली के सो अवसर पर हम लोग इस कार्यक्रम को रखे हैं। तो दीपावली खुशी का दिन है,
वहाँ लक्ष्मी की पूजा होती है। तो हमारे जीवन में तीन प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक लक्ष्मी है अलक्ष्मी, जो अनीति से धन कमा करके लोग लाते हैं और उसका गलत उपयोग करते हैं। अनीति से जो धन आता है तो वह अकेला नहीं आता, अपने साथ में विद्रोह और बीमारी लेकर के आता है। इसलिए ये अलक्ष्मी लोगों को एक परेशानी में डाल देता है। और दूसरे प्रकार की लक्ष्मी है, वे हैं लक्ष्मी, उसको कहते हैं कि परिश्रम करते हैं तो वह लक्ष्मी मिलती है। वह लक्ष्मी हमें सुख तो देता है, लेकिन जो महालक्ष्मी है वो लक्ष्मी हमें सुख संपत्ति और सब कुछ देता है। वो कैसे आता है, वे प्रीति रीति और नीति पूर्वक काम करते हैं, वही वो भाग्य लक्ष्मी को महालक्ष्मी को प्राप्त होते हैं। जब हमारे जीवन में भाग्य लक्ष्मी आती है तो हमारे जीवन को सुखी बनाते हैं और समृद्धि और सबके लिए वो सुखदायक होते हैं। इसलिए हम अपने जीवन में लक्ष्मी प्राप्त करें तो महालक्ष्मी भाग्य लक्ष्मी को प्राप्त करें, नीति प्रीति और रीति से मेहनत करें और भाग्य लक्ष्मी को प्राप्त करें। भाग्य लक्ष्मी से बढ़ करके हमारे आत्मज रूपी जो लक्ष्मी है वे पूर्ण सबको शांति देती है। जो व्यक्ति अपने आत्मा लक्ष्मी को पहचान लेता है, आत्मधन को पहचान लेता है, वे दुनिया में कभी दुखी नहीं होता है। इस लक्ष्मी को पाने के लिए हमारे महापुरुष बहुत मेहनत करते हैं, तपस्या करते हैं, और साधु सन्यासी इनके लिए रात दिन तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, तभी प्राप्त होता है। तो हम इस आत्मलक्ष्मी आत्मरूपी धन को प्राप्त करने के लिए ध्यान करें, तपस्या करें और अपने जीवन में शांति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त करें। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उन्हें मादेरे। काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उन्हें मादेरे। रहने बसेरा कर ले डेरा, रहने बसेरा कर ले डेरा। चला सबेरे ला दे रे, काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उन्हें मादेरे। तन के चोला खराया मोला लगा दाग पर दागरे, तन के चोला खराया मोला लगा दाग पर दागरे। दो दिन की जिंदगानी में क्या, दो दिन की आगे रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उन्हें मादे रे। काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उन्हें मादे रे। क्रोध
के चुली उठा चीत पर भय मनुष ते नागरे, क्रोध के चुली उठा चीत पर भय मनुष ते नागरे। सूझत नहीं आत्म सुख सागर, सूझत नहीं आत्म सुख सागर, बिना प्रेम वैरागे रे काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे। सर्वन सद बुझ सदगुरु से पूरण प्रगटे भागरे, सर्वन शब्द बुझ सदगुरु से पूरण प्रगटे भागरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, पायो अचल सुहागे रे काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे। रहने बसे रहने बसेरा कर ले डेरा, चला सबेरे ला दे रे काया सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे सराय में जीव मुसाफिर, क्यों करता उने मादेरे। बोलिए सद्गुरु देव की जय। करम सीता।
मुद मंगलमय संत समाज, धर्म प्रेमी आत्मीय बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं बहनों और इस वसुंधरा के गोद में खेलने वाले छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबों को यह विदित है कि आज दीपावली के पावन पर्व में हम सब एकत्रित हुए हैं। दीपावली का मतलब ही होता है कि अपने घर में रोशनी जगमगाते रहना चाहिए। जिस प्रकार से बाहर दीपावली में रोशनी जगमगाता है, उसी प्रकार बाहर में भी हमारा अंतःकरण ज्ञान विचार से प्रकाशित होते रहना चाहिए। तभी ये दीपावली मनाने का पावन पर्व होगा, नहीं तो केवल कहने से ही काम नहीं बनता है, करने से बनता है। जैसे हमारी योग्यता है उसके अनुसार हमको चाहिए कि हम अपने हृदय में ज्ञान का प्रकाश फैलाते रहें और सबके ज्ञान का प्रकाश बांटते रहें, क्योंकि जब तक के ज्ञान का प्रकाश हमारे अंतःकरण में नहीं होगा, तब तक हम दीपावली के महत्व को नहीं समझ सकते हैं। इसलिए दीपावली का मतलब वही होता है कि अपने ज्ञान विचार से अपने अंतःकरण को स्वच्छ रखना और जहाँ तक बन सके दूसरे को भी ज्ञान का प्रकाश बांटते रहना, तभी ये दीपावली मनाने का पुण्य काम हम सबके साथ कर सकते हैं, नहीं तो दिखावटी काम नहीं देगा। दिखावटी तो सब कर लेते हैं, परंतु अपने अंतःकरण में शुद्ध सात्विक विचार लाना बहुत जरूरी है और यही दीपावली मनाने का महत्व है। बस इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।
संग है सत मार्ग में आड़े खड़े गुरु ज्ञान असी पर दान करती न मार छार मिलाइए करुणा निधि है स्वागत
तम मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों मिले अपनाइए अब दास का यही है चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पात्र पुष्प स्वीकारिए काम बता कर सार सार विशोध बोध कराइए करुणानिधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों मिले अपनाइए काम दिखल दल संग है सत मार्ग में आड़े खड़े गुरु ज्ञान असी पर दान कर तीन मार छार मिलाइए करुणा निधि है स्वागत मंगल करण शुभ आइए भूले हुए निज दास को चरणों मिले अपनाइए अब दास का यही है विनय गुरु पतित पावन चरण में स्तुति करत निज सेवक अर्पित पात्र पुष्प स्वीकारिए चदरिया झीली रे झीली के राम नाम रस भीनी चदरिया झीली रे झीली के राम नाम के राम नाम के राम झीनी रे झीनी अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी अष्ट कमल का चरखा बनाया पांच तत्व की पूनी नौ दस मास बुनन को लागे नौ दस मास बुनन को लागे मूरख मैली कीनी चदरिया झीनी रे झीनी के राम नाम रस भी चदरिया झीनी रे झीनी जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी
जब मोरी चादर बन घर आई रंग रेज को दीनी, ऐसा रंग रंगा रंग रेने, ऐसा रंग रंगा रंग रेने के लालो लाल कर दीनी, चदरिया झीनी रे झीनी रे झीनी, चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी चदरिया, दो दिन तुमको दीनी, चादर ओढ़े शंका मत करियो, ये दो दिन तुमको दीनी, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, मूर्ख लोग भेद नहीं जाने, दिन दिन मैली कीनी चदरिया झीनी रे भीनी सदरिया झीनी रे झीनी। ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी सदरिया रे, ध्रुव प्रहलाद सुदामा ने ओढ़ी, सुखदेव ने निर्मल कीनी चदरिया, सुखदेव ने निर्मल कीनी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, दास कबीर ने ऐसी ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी, की राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी, की राम नाम के राम नाम की राम नाम रस भीनी चदरिया झीनी रे झीनी। प्राणी अपने प्रभु से पूछे किस विधि पाऊं मन ही देवता
ईश्वर मन से बड़ा न कोई, मन ही देवता मन ही ईश्वर मन से बड़ा न कोई। मन उजियारा जब जब फैले, मन उजियारा जब जब फैले, जग उजियारा हो इस उजले दर्पण पर पानी, धूल न जमने पाए तो राम की कलियां दुख के कांटे, मन सब का धार। सुख की कलियां दुख के कांटे, मन सब का धार। मन से कोई बात छिपेना, मन से कोई बात छिपेना, मन के नयन हजार, जग से चाहे भाग ले कोई, मन से भाग न पाए तो राम दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन की दौलत ढलती छाया, मन का धन अनमोल। तन के कारण मन के धन को मत माटी मेरा, मन की कदर भुलाने वाला, मन की कदर भुलाने वाला हीरा जन्म गवाए तो राम कहलाई, तो रामन दर्पण कहलाई। भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए तो रामन दर्पण कहलाई, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान, तेरे जैसे लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए। तेरे जैसे लाखों
लाखों इस माटी ने खाए, रहा ना नाम निशान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, झूठी माया झूठी काया, वो तेरा जो हरि गुण गाया, कर ले हरि का ध्यान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, माया का अंधकार निराला, बाहर उजला भीतर काला, इसको तू पहचान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान। तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, तेरे पास है हीरे मोती, मेरे मन मंदिर में ज्योति, कौन हुआ धनवान रे बंदे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान रे बंदे, झूठी तेरी शान रे, मत कर तू अभिमान, मत कर तू अभिमान।